हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवरी सॉल्यूशन हिंदी में। दोस्तों, अगर आप भी रेडमी मोबाइल चलाते हो और आपका मोबाइल बार बार स्विच ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको तीन टिप्स बताऊंगा जिन टिप्स को आप यूज़ करके आप अपने मोबाइल की इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल में कुछ भी काम करते हो या आप अपने मोबाइल में इंटरनेट चलाते हो, यूट्यूब पर वीडियो देखते हो या फेसबुक व्हाट्सअप कुछ भी काम करते हो, तो फ्रेंड्स क्या होता है, ऐसे में आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और आपका मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको मैं तीन टिप्स ऐसे बताऊंगा जिन टिप्स को अगर आप यूज़ कर लेते हो तो फॉलो कर लेते हो तो फ्रेंड्स आपकी जो प्रॉब्लम है बार बार स्विच ऑफ हो जाता है आपका मोबाइल, ये फिर नहीं होएगा। फिर आप अपने मोबाइल को आप आराम से चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल की मेन सेटिंग को ओपन कर लेना है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जब आपके मोबाइल की मेन सेटिंग ओपन हो जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस तरह से आपको नीचे आ जाना है थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए, और यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस वाला, तो इस वाले ऑप्शन को इस तरह से क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करके। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे नीचे वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, तो इस वाले ऑप्शन को दोस्तों आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपके सामने ये वाला बटन देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में ये वाला बटन इस तरह से ऑन है तो फ्रेंड्स इसको इस तरह से ऑफ़ कर देना है। फ्रेंड्स ये शेड्यूल पावर ऑन ऑफ है, इससे भी आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली बार बार स्विच ऑफ होने लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके मोबाइल में ये ऑन है तो इसको इस तरह से ऑफ कर देना है। ऑफ कर देने के बाद दोस्तों अब आपके सामने ये राइट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऊपर, इस पर क्लिक कर देना है और उसे सेव कर देना है। दोस्तों अगर आपने ये टिप्स पहले से ही अपने मोबाइल में अप्लाई कर लिया है फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो फ्रेंड्स चलिए अपने चलते हैं दूसरे टिप्स की ओर। तो फ्रेंड्स आपको ऊपर की तरफ आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हैं। दोस्तों मैं रेडमी का मोबाइल यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको रेडमी का ही टिप्स दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अबाउट फोन, अबाउट फोन में क्लिक करके हमें यहाँ पर सिस्टम अपडेट को भी क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको आके चेक कर लेना है आपका मोबाइल में कहीं अपडेट तो नहीं आ रहा। दोस्तों ये मेरा मोबाइल पहले से ही ऑलरेडी अपडेट है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में अपडेट आ रहा है तो आप उसे अपडेट कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसा हो जाता है अगर आपका मोबाइल अपडेट नहीं होता है या आप करते नहीं हो तो फ्रेंड्स उसकी वजह से भी आपका मोबाइल अब बार बार स्विच ऑफ होने लगता है। तो फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल को एक बार चेक जरूर करिएगा, आपका मोबाइल कहीं अपडेट तो नहीं मांग रहा है। फ्रेंड्स अगर आपने ये भी स्टेप पूरा कर लिया है, अगर आपने ये टिप्स भी अपने मोबाइल में पहले से ही अप्लाई कर रखा है फिर भी आपका मोबाइल बार बार स्विच ऑफ आ रहा है, तो चलिए फ्रेंड्स अपने तीसरे टिप्स की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको बैक आ जाना है इस तरह से। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से अबाउट वाले ऑप्शन में ही क्लिक करके आ जाना है। और यहाँ आ जाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैकअप एंड रीसेट, तो इसके ऊपर हमें इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों अब आपको सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फैक्ट्री डाटा रीसेट। दोस्तों आपको अपने मोबाइल को फैक्ट्री डाटा रीसेट कर देना है। फ्रेंड्स आपसे मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप इसे फैक्ट्री डाटा रीसेट करते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों बार बार स्विच ऑफ होने की वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप फैक्ट्री डाटा रीसेट के बारे में कुछ अच्छे से जानते नहीं हो तो आपको अपने मोबाइल को रीसेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा हो सकता है अगर आप पे ये सेट करना नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आप अपने मोबाइल को किसी ऐसे से रीसेट करवाइएगा जो इसके बारे में अच्छे से जानता हो फ्रेंड्स, क्योंकि इसका रीसेट करने के बाद आपका मोबाइल में जितना भी डाटा होता है वो क्लियर हो जाता है, फिर आपको अपने मोबाइल को सेट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर आप पे नहीं आता है डाटा रीसेट करना तो आप किसी ऐसे से करवाइएगा जो इसके बारे में अच्छे से जानता हो, ठीक है दोस्तों, वरना आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स सिर्फ आपको ये तीन स्टेप अपने मोबाइल में करने हैं फिर आपके मोबाइल में जो प्रॉब्लम हो रही है बार बार स्विच ऑफ होने की, ये किस करने के बाद फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो और देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर सकते हो। दोस्तों मैं ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ।